पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सम्राट जी, मैं रहता हूँ अपने घर में हूँ, मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से घर है, छोटा सा घर है लेकिन रहूंगा यहाँ पर, सरकारी कार्य जरूर करूंगा। मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं, अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। आइए भाई साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। आज विजयादशमी का दिन है, ऐसे में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने नए बंगले में गृह प्रवेश कर रहे हैं और हम अभी उसी बंगले में मौजूद हैं और आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस बंगले का बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इस बंगले में गृह प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले इस बंगले में रहते थे जब वो बिहार के डिप्टी सीएम थे, लेकिन अब जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं उनके नाम से बंगला अलॉट हो गया है और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी के बंगला का तस्वीर है कि सम्राट चौधरी अब इसी बंगले में रहेंगे। सम्राट चौधरी का ये नया ठिकाना है और इस बंगले में सम्राट चौधरी आज गृह प्रवेश कर लिए हैं और इस बंगले में रहेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने आज इस बंगले को लेकर ये भी कहा कि इस बंगले में हम नहीं रहेंगे, यहाँ से बस उनका काम काज होगा, जनता के हित में जो काम होता है वो करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने एक छोटा घर हमें दिया है, उसी में हम रहेंगे, इस बंगले से हम जो जनता की काम करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान भी किया है कि दोबारा अब वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि इस बंगले को लेकर काफ़ी विवाद है, जो इस बंगले में आता है वो डिप्टी सीएम फिर नहीं बन पाता है, लेकिन उन्होंने सम्राट चौधरी ने इस सवाल पर साफ तौर पर कहा कि नहीं बनना है दोबारा हमें डिप्टी सीएम। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। मैं रहता हूँ अपने घर में हूँ, मेरे पिताजी माताजी के आशीर्वाद से घर है, छोटा सा घर है लेकिन रहूँगा यहाँ पर, सरकारी कार्य जरूर करूँगा। ये सब पदाधिकारी देख रहे हैं, शीघ्र आपको दिखेगा। मैं स्पष्ट तौर पर यह समझता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दिया, इससे ज़्यादा शुभ और विजयदशमी के दिन मैं यहाँ आया हूँ। जितने असत्य लोग, मेरे लिए बिहार का विकास, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बिहार का विकास मायने रखता है। लेकिन क्या जाता है कि जो भी इस बंगले में आते हैं, अरे बंगला कभी डिस्प्यूटेड नहीं होता है, लोग डिस्प्यूटेड होते हैं। बिहार की जनता बिहार की विकास चाहती है। दोबारा डिप्टी सीएम बन पाइए क्योंकि चर्चा ये नहीं बनना है भाई, नहीं बनना है, माफ कीजिए। आइए भाई साहब। तो अभी आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दोबारा डिप्टी सीएम हमें नहीं बनना है। पांच देश रत्न मार्ग बंगले को लेकर लगातार विवाद रहता है, कहा जाता है कि जो भी इस बंगले में आता है सियासी रूप से उसका कैरियर खत्म हो जाती है, लेकिन सम्राट चौधरी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बनना है। सम्राट चौधरी आज पांच देश रत्न मार्ग जो उनको बंगला मिला है वहाँ गृह प्रवेश किए हैं और अब सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया है कि हम अपने घर में ही रहेंगे, हमारे पिता ने जो छोटा हमें घर दिया है उसी में रहेंगे, लेकिन जनता की काम हम इस बंगले से करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था सम्राट चौधरी का आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।